सब्सक्राइब करें आपका दोस्त माय चैनल और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो अध्यापकों के लिए खास। एमपी न्यूज, अध्यापकों का डाटा लीक, 3 कर्मचारियों के बैंक अकाउंट साफ, 2.5 लाख अध्यापक रहे सावधान। भोपाल मध्य प्रदेश के करीब 2.5 लाख अध्यापकों को सावधान हो जाने की जरूरत है। उनकी सेवाएं शिक्षा विभाग में मर्ज की जा रही हैं। इस दौरान उनका डेटा लीक हो गया है। यह डाटा किसी गिरोह के हाथ लग गया और वो लगातार अध्यापकों से ठगी कर रहा है। अध्यापकों का वो बैंक अकाउंट जिसमें सैलरी आती है टारगेट पर ले लिया गया है। बैतूल जिले से इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं। अब तक 3 कर्मचारी इस गैंग का शिकार हो चुके हैं, जबकि बीओ कार्यालय के आधा दर्जन और एक्सीलेंस स्कूल के एक दर्जन से ज़्यादा शिक्षक इस ठगी का शिकार होने से बच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक FIR भी दर्ज नहीं की गई है। विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों ने SPDS तैनीबार को लिखित शिकायत कर शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल और AM शिक्षा मित्र की साइट हैक होने की आशंका जाहिर की है। शिकायतकर्ता चरण सिंह उइके, रिंकी सरयाम, उदयवान कुंडारे, नेहरू पांडे, मनीष बरवड़े आदि ने कहा कि वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल पर अध्यापक संवर्ग का सत्यापन कार्य चल रहा है, जबकि AM शिक्षा मित्र ऐप में शिक्षक और कर्मचारियों की व्यक्तिगत और विभागीय जानकारियां हैं। खास बात यह है कि वर्तमान में जो सत्यापन कार्य शुरू है उसके लिए साइट पूरी खुली है और इसमें गोपनीयता नहीं बरती जा रही है। प्राइवेट संस्थानों में पहुंचकर अध्यापक सत्यापन करवा रहे हैं। इसके कारण भी इस तरह की कारगुजारी सामने आने की आशंका जताई जा रही है। पीयून के खाते से 19,999 रुपये निकाले। बीओ कार्यालय के प्यून तरुण मसराम ने पुलिस को की शिकायत में बताया कि 13 सितंबर की सुबह करीब 9:30 बजे से एक व्यक्ति 95-76-27-41-59 नंबर से दोपहर करीब 1:30 बजे तक लगातार परेशान करता रहा। इस दौरान पहले राउंड में हुई बातचीत के दौरान SBI का ब्रांच मैनेजर अमित शाह होना बताकर अपने पहले तो प्यून को उसकी तमाम विभागीय जानकारियां दी। इसके कारण प्यून विश्वास कर गया और कथित मैनेजर को फॉलो करने लगा। युवक ने उस दौरान मोबाइल पर आया और OTP बताने को कहा, तो जैसे ही उसने बताया और तुरंत बाद ही प्यून के खाते से 19,999 रुपये निकल गए। प्यून ने राशि निकालने पर साथी शिक्षक मुजल धनवेश्वर को अपना सेलफोन पकड़ा दिया। इस पर बहस चली और कथित मैनेजर प्यून को ही फ़ोन पे देने का जवाब बनाने लगा। मामला थाने पहुंचा, यहां आवक जावक प्रभारी से भी बातचीत कराई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। शिक्षकों का कहना है कि पुलिस ने मामले में अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की है, केवल जांच का भरोसा दिया है। BO कार्यालय के अन्य आधा दर्जन कर्मचारियों को भी इस ठगी के तुरंत बाद ही इसी नंबर से दिन भर कॉल आते रहे। कई बार गाली गलौज और शिक्षा विभाग के अधिकारी होना बताकर भी कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन प्यून की ठगी का खुलासा होने के बाद अन्य कर्मचारी सचेत होने के कारण ठगी से बच गए। इसके बाद इसी नंबर से एक्सीलेंस स्कूल के शिक्षकों को कॉल आने लगे। शिक्षक ज्ञानराव देशमुख से ने बताया कि उनके सहित शिक्षक अशोक उइके, जितेंद्र बगाहे सहित अन्य शिक्षकों से सभी जानकारियां बताकर विश्वास दिलाने का प्रयास, ATM से संबंधित जानकारी चाहिए, लेकिन शिक्षकों की सजगता से भी ठगी का शिकार होने से बच गए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट जानकारी पाने के लिए आपका दोस्त चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक करके अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।